नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, एक ऐसी खबर अफवाह है कि जीएनएम भर्ती 2018 पे सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ पे स्टे लगा दिया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप जरा भी पैनिक ना हो, ऐसी कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के स्टे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, विस्तृत रूप से राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति 2018 का भी स्टेटमेंट आपको मैं बताऊंगा, और कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे नर्सिंग भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में इससे स्टे नहीं आया है। दोस्तों, आपको जरा भी पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप वीडियो बना लेते हो, आपको ये पता नहीं होता कि इस पे जो है स्टे आया है या नहीं आया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जीएनएम भर्ती 2018 पर किसी भी तरह का सुप्रीम कोर्ट से स्टे यहाँ पे नहीं आया। दोस्तों, जो स्टे की जो है अफवाह है वो भ्रामक है, झूठी खबर है। दोस्तों, आप जरा भी पैनिक यहाँ पे नहीं होना, अपने को संयम से काम लेना है, किसी भी प्रकार का स्टे यहाँ पे नहीं आया। अब दोस्तों देखते हैं संघर्ष समिति के पवन जी का संदेश क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं विशेष सूचना, सुप्रीम कोर्ट स्टे की सूचना डब्ल्यूजी विभक्ति जी भूषण जी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी मेरी फोन पर अभी भी उनसे बातचीत हुई है। बाहरी राज्यों के बोनस अंक वाले जो केस है उसकी सुनवाई दोस्तों यहाँ पे 27 फरवरी को मुकर्रर हुई है हाईकोर्ट में। 27 फरवरी को बाहरी राज्यों के जो संविदा कर्मचारी उनके बोनस की डेट 27 फरवरी है। अन्य किसी भी केस की सूचना संघर्ष समिति के पास नहीं है। संघर्ष समिति सदस्य कभी भी भ्रामक मैसेज नहीं डालते। जानकारी की पूर्णतया पुष्टि के पश्चात ही मैसेज डाला जाता है। अगर कोई स्टे हुआ तो उसकी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके सूचना दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है उसको लेकर जो डब्ल्यूजी हैं, जो अपने केस की पैरवी कर रहे हैं विभूति जी भूषण, उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राजस्थान में जयपुर एवं जोधपुर न्यायालयों में लगे हुए केसेस की संपूर्ण जानकारी अपने पास है, लेकिन जो ये भ्रामक मैसेज फैलाया जा रहा है कि एक जो स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों, जो जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में जो स्टे लगे हैं, जो केसेस चल रहे हैं जीएनएम भर्ती को लेकर, उनके समाधान के लिए लगातार एजी एवं डब्ल्यूजी से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आज दिनांक भी मुकुल शर्मा जी से विस्तृत बातचीत हुई। सभी केसेस में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दोस्तों, डब्ल्यूजी साहब देर रात तक समाधान हेतु प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री साहब और चिकित्सा मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, जल्द समाधान होगा। पवन कुमार, राजस्थान नर्सिंग संघर्ष समिति 2018। तो दोस्तों, मैं बता दूं विशेष खबर है, सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट के स्टे की सरासर खबर गलत है। अभी डब्ल्यूजी जो विभूति जी भूषण है उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अभी भी दोस्तों फोन पे जस्ट बात हुई है। बाहरी राज्यों का जो केस है उसकी सुनवाई की डेट है वो 27 फरवरी है। इसके अलावा जो भी जयपुर और जोधपुर में केसेस यहाँ पे रिट याचिका लगी है उनकी संपूर्ण जानकारी अपने पास है, जिनका समाधान करने के लिए डब्ल्यूजी और एजी लगे हुए हैं। इसके अलावा मुकुल शर्मा से भी आज विस्तृत रूप से बात हुई। वो जो सभी केसेस लगे हैं उनमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जो सुनवाई होगी उसमें ये केसेस का सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री और जो मुख्यमंत्री साहब और लगातार और प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयासरत है, जल्द समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टे की खबर सरासर भ्रामक है, झूठी है। तो दोस्तों, नर्सिंग भर्ती 2018 पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है कि जो खबरें यहाँ पे चल रही है वो सरासर झूठी है। आप इन खबरों पर जरा भी बिलीव नहीं करें, क्योंकि दोस्तों कभी भी संघर्ष समिति, जैसा कि मैंने अभी मैसेज बताया, कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं डालती। इसके अलावा जो डब्ल्यूजी हैं विभूति भूषण जी, उनके पास भी ऐसी कोई यहाँ पे सूचना नहीं हुई है। जस्ट अभी उनसे फोन पे वार्ता हुई है। तो दोस्तों, आप जरा भी पैनिक ना हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।